इम्प्लांट का इम्पोर्टेंस क्या है? मोस्ट ऑफ द पेशेंट को वो क्वेश्चन होता है कि इम्प्लांट कैसा होता है, आप कैसा यूज कर रहे हो, कैसा यूज करना चाहिए, उससे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगा एंड कौन सी कंपनी के अच्छे आते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर अर्चा, मैं MCH प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ब्रेस्ट इम्प्लांट में इम्प्लांट कैसा होता है। तो आप देख सकते हो कि हम जो इम्प्लांट यूज़ करते हैं वो सबसे पहले वो पेरिस के होता है, वो सेलिंग करके कंपनी है, सेलिंग मोटिवा यूरोसिलिकॉन अच्छे अच्छे आते हैं, तो वो चाइनीज़ या कोरियन भी आते हैं और दूसरे जो आते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के USFDA अप्रूव भी आते हैं। तो हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो USFDA अप्रूव यूज़ करते हैं, तो लाइफ टाइम की गारंटी होती है। ये एकदम हाई प्रोजेक्शन कोहेसिव जेल है और माइक्रो टेक्सचर्ड है, तो इससे सिमेस्टिया के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हाईली प्रोफाइल हमने डाले हुए हैं। पेशेंट का वेट जो है वो 52 kg है, ब्रेस्ट विड्थ जो है वो 12 cm अराउंड है, तो हमने 1 cm कम इसमें लिया हुआ है, तो 11 cm के आसपास का इसमें विड्थ है। और आप देख सकते हो कभी भी फूटेगा नहीं, आप कितना भी वो प्रेस करोगे तो फील जो होता है वो कम्प्लीटली नेचुरल रहता है, उससे कोई भी ब्रेस्ट ग्लैंड को कुछ डिफेक्ट नहीं होती है, कभी पेशेंट को फ्यूचर में प्रेगनेंसी रखने में प्रॉब्लम नहीं होती, या प्रेगनेंसी रख दी तो उसके बाद जो फीडिंग का होता है वो फीडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और कभी भी इट्स अ रिवर्सिबल थिंग, आपको कभी भी ऐसा फील हो कि मेरे को साइज चेंज करनी है, नहीं पसंद है, तो आप रिमूव भी कर सकते हो। तो ये बहुत सेफ सर्जरी है, इससे कई बार फीमेल का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और कई बार पर्सनल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के साथ के रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। 1 घंटे की प्रोसीजर है, बहुत महंगी होती नहीं है और सिंपली प्रोसीजर है, तो आपको ऐसा कुछ भी कन्फ्यूजन है तो हमारे फीमेल कोऑर्डिनेटर है वो आपको हेल्प करेंगे और आपको ये तकलीफ में से बाहर निकालने का ट्राई करेंगे। पर आप कभी भी ये सर्जरी कराओ तो क्वालिफाइड प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जन के पास ही कराइए। थैंक यू सो मच।